अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू माय चैनल, इट्स मी उमर बनी। तो उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे, खैरियत होंगे। एक दफ़ा फिर मैं आप सबको अपने चैनल में खुशामदीद कहना चाहूँगी। तो ये जो दो दिन रिसेंटली मैंने के बाद एक ब्लॉग अपलोड किया था, तो उसके बाद से हमारे जो इतने सख्त वो क्या कहते हैं ट्रेनिंग स्टार्ट हुई ना, कि रात को आते हुए हम लोग बस बिस्तर पर गिर के सो जाते थे। तो इसलिए हम लोग किधर ही नहीं गए थे, व्लॉगिंग इसीलिए मैंने नहीं की, और ट्रेनिंग की व्लॉगिंग भी इसलिए नहीं, क्योंकि दो मिनट मिलता था पानी पीने के लिए, तो व्लॉगिंग बिल्कुल नहीं सकती थी। तो आज है 29th of February, जो कि हमारा फर्स्ट टूर्नामेंट होगा इसका, फ्लैग फुटबॉल का, वुमेन फ्लैग फुटबॉल का। तो जो तीन दिन हुआ है कि हम लोगों ने प्रैक्टिस किया है ये फ्लैग फुटबॉल का, तो आज जो है उसका मैच है। तो अभी जो हम लोग ग्राउंड पे पहुंच गए हैं 9 बजे, और फर्स्ट मैच जो है हमारी कलर्स है ना, ऐसे यूनिफॉर्म्स की कलर्स हैं, तो उसके मुताबिक हमारे मैचेस को ड्रॉज में निकाल दिया गया। तो पहला मैच जो है येलो और ग्रीन का है, कलर शर्ट का जिसका येलो ग्रीन, और हमारा तो तीसरा मैच है। तो अभी फर्स्ट मैच स्टार्ट होने वाला है, तो मैं आप लोगों को वीडियो आज के पूरे दिन के बारे में, पूरे सेशन के बारे में आप लोग को बाखबर रखूँगी। तो आप लोग वीडियो के लास्ट तक रहिए और ये वीडियो मेरे साथ इंजॉय करिए। तो चलते हैं, वीडियो स्टार्ट करते हैं। और हाँ, अगर आप लोग मेरे चैनल में न्यू हो और अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तो जल्दी से जाके पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और जो साथ में बेल आइकन उसको प्रेस करें, ताकि न्यू वीडियोज़, न्यू अपडेट्स, न्यू इन्फॉर्मेशन आप तक पहुँच जाए। तो लेट्स गो, आई विल शो यू गाइज द होल ग्राउंड एंड जो सेटअप किया है, तो स्टे ट्यून्ड, लेट्स गो। तो गाइज, ग्राउंड जो है इतना बड़ा है, और उधर हमारे पेनाफ्लेक्सेस भी लगे हुए, एज यू गाइस कैन सी। तो प्लेयर्स थोड़े से आ गए हैं और थोड़े अभी तक रास्ते में हैं। आप लोग को पेनाफ्लेक्स दिखाती हूँ, जो कि हमारे कराची में लगा है और हमारे तस्वीरों का लगा है, तो मतलब दैट्स सो गुड, यू नो। आप देख सकते हैं वो रही मैं, ये सारे हमें टीम है बलोचिस्तान की। तो फर्स्ट आल पाकिस्तान वुमेन फ्लैग फुटबॉल चैम्पियनशिप 2024 कराची, ऑर्गेनाइज्ड बाय पाकिस्तान वुमेन फ्लैग फुटबॉल फेडरेशन। तो फ्रेंड्स, जो है बाकी सिविनियर्स वगैरह भी आ गए, गिफ्ट्स भी आ गए हैं, और थोड़े जूस वगैरह तो खैर वो 3 दिन से पी रहे हैं जब से स्टार्ट हुआ है ये, और ये जो है सारे हमारे गिफ्ट्स हैं। तो वो जो शर्ट मैंने आपको दिखाई है ऑफिशियल्स की, वो ऐसे लिखा हुआ है, और आगे थोड़ा ऐसे हर ग्रुप में से दो दो बंदे को लिया है, या जो इंटरेस्टेड है उसको ऑफिशियल्स लिए। तो हमारा जो काम है वो बेसिकली ये है कि जब मैच स्टार्ट होता है, तो ये जो स्टार्टिंग पॉइंट होता है ना उसका, तो हमने इधर से देखना है कि अगर कोई मतलब थोड़ा सा हिला या वो उस लाइन से उसका पाव आ गया था, तो हम लोगों ने बस हाथ खड़ा करना है। तो यही हमारा काम है फिलहाल, सारे वेट कर रहे हैं ताकि सारी टीम के ग्रुप्स के लड़कियाँ आ जाए, फिर मैच स्टार्ट होगा, फिर आप लोगों को दिखाऊंगी। तो आज मेरी जगह कोई और ब्लॉगिंग करेगा, क्योंकि मैं तो ग्राउंड पे होगी ऑब्वियसली, तो वो आप लोगों को एंटरटेन करेगा। आखिर तक रहिए लास्ट तक। I have to have a line across, but I want you officials to make sure that those men who line the field, they go across on the 30, the other 30, the other touchdown and the other end zone, okay? So make sure that those are done. We have 15 minutes to do that. Now I want to explain about the scorecards. बस में जो है वो ग्रीन वर्सेस येलो का है, ये कुर्सी कैमरा किसके पास है? फैसून के पास। तो ये लोग वार्म अप कर रहे हैं यहां पर, ये अब जो यूएस से हमारी मैडम आई है, उन्होंने दोनों टीमों का कैप्टन बुलाया। अब इनके बीच में दोनों टीमों का डिसाइड होगा कि ग्रीन टीम कहाँ पे जाएगी और येलो टीम। ग्रीन टीम बेसिकली कैपी के है और ये येलो इस्लामाबाद। चलिए मैडम, येलो, डू यू कम द फर्दरेस्ट और यू कम द फर्दरेस्ट? व्हाट डू यू मीन बाय दैट? ओके, लिसन, नंबर फ्रॉम 1 टू 5, इट इज 4, ओके। डू यू वांट टू किक द बॉल, रिसीव द बॉल, और डिफेंड द गोल? Do you want to be offense first or defense first? Offense. You want to be offense. Which goal do you want to defend? Do you want to go this way for your touchdown? Do you want to go this way for your touchdown? You want to go this way? Okay.
और ये फर्स्ट फ्लैग के इंचा गया ग्रीन टीम की तरफ। चलिए पहला मैच तो ग्रीन वाले जीत गए, अब ये सेकंड मैच है जो रेड एंड ब्लू के बीच में, देखते हैं अब इनमें कौन जीतेगा। लोग्स तो मैं बना रहा हूँ, अब चलिए आप बनीन से पूछते हैं कि उसको पसंद आएगा अभी के नहीं। जी मैडम आप, मैं तो व्लॉग बना रहा हूँ लेकिन मुझे पता नहीं ये कैसा बनता है। तो जिसे बन रहा है वैसे बनाने दे, क्योंकि मैं तो ग्राउंड पे हूँ तो फोन आपके पास होगा, आई एम एन ऑफिशियल यू नो। ये बलूचिस्तान और इस्लामाबाद का मैच आया है, मतलब ये बलूचिस्तान की टीम बलून वालों की ये हो रही है इस्लामाबाद की अपनी टीम, तो देखते हैं इसमें से कौन जीतेगा। आई होप ये लोग जीत जाएंगे क्योंकि इनकी टीम अच्छी है। तकरीबन हाफ मैच हो गए, मेरे ख्याल से बलूचिस्तान के है 7 से 8 पॉइंट और इनके 3 है या 4 है, यानी ये लोग लीड में जा रहे हैं, तो आई होप सो ये लोग जीत जाएंगे इंशाल्लाह। और ये बॉल थ्रो हुआ, मैचेस ख़त्म हो गए हमारा इस्लामाबाद और बलूचिस्तान का लगा था, तो हम लोग जीत गए पहला राउंड। हो अल्लाह मेरा हाथ कैसे हिल रहा है। तो अभी हम लोग आए हैं पिकनिक के लिए है और हम लोग आए हैं ड्रीम वर्ल्ड, इधर स्विमिंग है, पानी है, तो यू गाइस नो हाउ मच आई लव स्विमिंग वाटर। तो मैं हूँ, मेरे साथ मेरा पार्टनर है, मैं हूँ, मेरे साथ भी मैं। तो अभी वैसे हम लोगों को पता नहीं था कि हम लोग इधर आए, हम लोग कोई कपड़े उपड़े उठा ले, तो हम लोग इसी ट्रैक सूट के साथ आ गए वापस। मेरा हाथ थोड़ा हिल रहा है क्योंकि मेरे हाथ में वाटर बॉटल है। तो चलिए गाइस मैं देखती हूँ आपको, आप लोगों को दिखाती हूँ कि हम लोग इधर क्या करेंगे, तो स्टे ट्यून्ड, बहुत मज़ा आएगा आप लोगों को भी, हमें भी, मुझे भी। तो चलिए मैं आप लोगों को ये ड्रीम वर्ल्ड का टूर कराती हूँ। लेट्स गो गाइस। तो फ्रेंड्स अभी हम लोग दरिया से मतलब नहीं बोटिंग कर रहे हैं इसी रिजॉर्ट। हाँ हम लोग रिजॉर्ट पे बोटिंग कर रहे हैं, तो बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा है मुझे, आई एम एंजॉयिंग दिस मोमेंट। तो मैंने सोचा आप लोगों के साथ भी शेयर करूँ ये वाला, मैं आप लोगों को अपने मेट्स दिखाती हूँ कि वो लोग कैसे बोटिंग कर रहे हैं। तो लेट्स गो। उधर से हम लोगों ने बहुत इन्जॉय किया, थोड़ा सा रिफ्रेशमेंट लिए खाना लिया, चिप्स वगैरह, फिर आइसक्रीम। तो उसके बाद हम लोग वापस स्टेडियम चले गए, वहाँ से चीज़ें हम लोगों ने कल के लिए बराबर की। तो उधर से अभी रूम आ गए, बहुत ज़्यादा थकी हुई है, कुछ मैं बिल्कुल भी नहीं सोई, 1 घंटा सोई हूँ रात का,
तो क्योंकि टाइम ही नहीं मिलता सोने का, तो बहुत ज़्यादा थकी हुई हूँ, तो थोड़ा सा टाइम मिल गया कल तक जाकर मैं रेस्ट लूँगी, थोड़ा पहले फ्रेश होंगी फिर जाकर रेस्ट लूँगी। तो अगर वीडियो अच्छी लगे तो ज़रूर लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ज़रूर 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 ज़रूर, और जो साथ में बेल आइकन है उसको प्रेस करना था कि न्यू वीडियोज़ न्यू अपडेट्स इन्फॉर्मेशन आप तक पहुँच। तक के लिए अपना ख्याल रखें, बाय बाय।